आज हम डी कॉम पार्ट टू की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुलामीर मलिक साहब की उसका जो चैप्टर नंबर टेन है डिप्रिसिएशन का उसकी एक्सरसाइज नंबर अलेवन आज हम करने जा रहे हैं तो चैप्टर नंबर टेन है डिप्रिसन ऑफ फिक्स एसेट्स का और एक्सरसाइज नंबर अलेवन इसमें कहता है कि ए बिजनेस फॉर्म परचेज अ प्लांट फॉर रुपीज एटी थाउजेंड एक बिजनेस फर्म ने एक प्लांट खरीदा है अस्सी हजार का तो आपने क्वेश्चन में लिखना है कॉस्ट ऑफ एसेट एटी थाउजेंड द एस्टिमेटेड लाइफ इज फाइव ईयर और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है पांच साल एंड रिज वैल्यू इज सिक्स थाउजेंड रिजड वैल्यू जो है वो छ हजार है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिप्रसिएशन रेट अकॉर्डिंग टू डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड हमने डिप्रशियन रेट फाइंड करना है और मेथड होगा डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एंड प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ डिप्रेसिएशन ऑफ प्लांट और हमने शेड्यूल ऑफ डिप्रेसिएशन भी फाइंड करना है तो इस क्वेश्चन में आपको दोबारा पढ़ देता हूं कि कॉस्ट ऑफ एसेट है एटी थाउजेंड एस्टिमेटेड लाइफ है फाइव ईयर रजिड वैल्यू है सिक्स थाउजेंड और डिप्रेसिएशन रेट फाइंड करना है मेथड होगा डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और शेड्यूल ऑफ डिप्रोसिएशन भी हमने बनाना है डियर फ्रेंड आप बुक को अपने सामने रख लें और क्वेश्चन को भी देखते रहे और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने सोल्यूशन की तरफ भी देखना है तो इस तरह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर अलेवन है तो कॉस्ट ऑफ एसेट है इस क्वेश्चन में एट्टी थाउजेंड तो यहां पे लिखें कॉस्ट ऑफ एसिड एटी थाउजेंड और रिजिडल वैल्यू है सिक्स थाउजेंड वैल्यू वो है सिक्स थाउजेंड और एस्टिमेटेड लाइफ है फाइव ईयर एस्टिमेटेड लाइफ फाइव ईयर है तो हमने डिप्रशिएशन रेट फाइंड करना है और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है तो यहां पे लिखें डबल डिक्लाइनिंग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो हमने डिप्रिसिएशन रेट फाइंड करना है इस क्वेश्चन के मुताबिक तो यहां पे लिखें, डिप्रिसिएशन रेट जी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक आप डिपोजिशन रेट कैसे फाइंड करेंगे ये जो एस्टिमेटेड लाइफ है फाइव ईयर है तो उसको वन ओवर फाइव कर देंगे वन ओवर फाइव अब आपने वन को फाइव पे डिवाइड करना है तो इससे आ जाएगा जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू इस पॉइंट को खत्म करने के लिए आपने 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 20 परसेंट जी पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लें जी तो 0.2 का मतलब होता है 20 परसेंट या इसकी इसके बाद आप डायरेक्ट ट्वेंटी परसेंट लिख लें या जीरो पॉइंट टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ट्वेंटी परसेंट आ जाएगा फिर चौके अगर देखें तो ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है डबल है तो इसलिए आपने ट्वेंटी परसेंट को मल्टीप्लाई टू करना है क्योंकि डबल करना है ना तो इसलिए इसको दो से जरब देनी है तो ट्वेंटी परसेंट को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्टी परसेंट एक और भी इसका तरीके कार है तो ये ट्वेंटी परसेंट है ना तो ट्वेंटी का डबल क्या होता है फोर्टी परसेंट तो आप डायरेक्ट भी फोर्टी परसेंट यहां पर लिख सकते हैं तो अब हम इसका शेड्यूल बनाते हैं तो पेज को जरूर ऊपर करें जी तो ये शेड्यूल बनाने लगे हैं तो सबसे जो पहला कालम है इसमें आपने लिखना है ईयर्स दूसरे कालम में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, तीसरे कालम में लिखेंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रेट ऑफ डीईपी का मतलब है डिप्रिसिएशन अगले कालम में लिखेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन एनुअल डिप्रिसिएशन इसके बाद अगले कालम में लिखेंगे एकामुलेटेड डिप्रिसिएशन एकमुलेटिड डिप्रिसिएशन आखिरी कालम में लिखेंगे बुक वैल्यू, बुक बुक वैल्यू और ऊपर आपने लिखना है शेड्यूल ऑफ डिप्रिसिएशन शेड्यूल ऑफ शेड्यूल ऑफ डिप्रिसिएशन जी तो और पेज को जरा ऊपर करते हैं पेज को जरूर कर लें अच्छा अब ये जो इयर्स हैं, इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ फाइव इसलिए आपने पांच साल लिखने हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव जी उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ एसेट है कॉस्ट ऑफ एसेट इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो है एटी थाउजेंड तो पूरे कॉलम में लिखें एटी थाउजेंड दूसरे साल में भी एटी थाउजेंड तीसरे साल में भी लिखें एटी थाउजेंड चौथे साल में भी लिखें एटी थाउजेंड पांचवें साल में भी लिखें एटी थाउजेंड जी उसके बाद जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है तो रेट ऑफ डिप्रेसिएशन डियर स्टूडेंट फोर्टी परसेंट है जो आपने यहां पे ये फोर्टी परसेंट निकाला है ना मैं आपको बताता हूं ये जो ये जो आपने फोर्टी परसेंट निकाला है यही आपने लिखना है तो रेट ऑफ डिप्रेशन में लिखें पांचों सालों में फोर्टी परसेंट यहां पर भी फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट चौथे साल में भी फोर्टी परसेंट और पांचवें साल में भी फोर्टी परसेंट जी उसके बाद एनुअल डिप्रसेशन अब एनुअल डिप्रसेशन फाइंड करने का तरीका जरा समझिए एटी थाउजेंड का फोर्टी परसेंट आएगा थर्टी टू थाउजेंड तो यहां पे लिखें थर्टी टू थाउजेंड फिर आपने क्या करना है कि ये जो एटी थाउजेंड है इस में से ये थर्टी टू थाउजेंड माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड तो अब फोर्टी एट थाउजेंड का आपने फोर्टी परसेंट लेना है इसमें से ये बत्तीस हजार को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड उस फोर्टी एट थाउजेंड का फोर्टी परसेंट आपने लेना है तो वो आपके पास आ जाएगा उन्नीस हजार दो सौ नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड जी उसके बाद अब दोबारा आपने एट्टी थाउजेंड में से थर्टी टू थाउजेंड को भी माइनस करना है और नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड को भी माइनस करना है तो इससे आ जाएगा अट्ठाईस हजार आठ सौ अट्ठाईस हजार आठ सौ का एट्टी परसेंट आपने लेना है तो उससे आ जाएगा ग्यारह हजार पांच सौ बीस जी उसके बाद दोबारा आपने इस एटी थाउजेंड में से बत्तीस हजार को भी माइनस करना है उन्नीस हजार दो सौ को भी माइनस करें ग्यारह हजार पांच सौ बीस को भी माइनस करें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 17,280. सत्रह हजार दो अस्सी तो सत्रह हजार दो सौ अस्सी का फोर्टी परसेंट आपने लेना है तो वो आ जाएगा आपके पास सिक्स नाइन वन टू जी दोबारा समझें कि एटी थाउजेंड में से थर्टी टू थाउजेंड भी माइनस करना है उन्नीस हजार दो सौ को भी माइनस करना है ग्यारह हजार पांच सौ बीस को भी माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा सत्रह हजार दो सौ अस्सी उसका आप फोर्टी परसेंट लेंगे तो आपके पास छह हजार नौ सौ बारह आ जाएगा डियर स्टूडेंट चूंकि ये हम मेथड कर रहे हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में ये जो जगह है इसको आपने आखिर में फिल करना है इसको भी इसको भी और इसको भी आपने आखिर में फिल करना है तो आगे अभी इस क्वेश्चन को हल करते हैं अब टे डिप्रसिएशन कैसे हल करेंगे बत्तीस हजार को एज इट इज यहां पे लिख दें बत्तीस हजार को जमा करें उन्नीस हजार दो सौ के साथ तो ये आ जाएगा इक्यावन हजार दो सौ इक्यावन हजार दो सौ के साथ जमा करें ग्यारह हजार पांच सौ बीस तो आपके पास आ जाएगा सिक्सटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी दोबारा आपने सिक्सटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी के साथ प्लस करें सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेल्व तो आपके पास आ जाएगा सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू जी ये जो है ये भी आपने आखिर में करनी है क्योंकि जब भी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होगा तो आपने ये ये और ये जो है आखिर में लिखना है उसके बाद अब हम बुक वैल्यू फाइंड करते हैं तो बुक वैल्यू फाइंड करने का तरीके कार यह है कि सेकंड कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करना है यानी इस माइनस करना है तो एटी थाउजेंड में से माइनस करें थर्टी टू थाउजेंड को तो इससे आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड इसी तरह एटी थाउजेंड में से फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड को माइनस करें तो इससे आ जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड एंड एट हंड्रेड फिर एटी थाउजेंड में से सिक्सटी टू सेवन ट्वेंटी को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी फिर आपने एटी थाउजेंड में से सिक्सटी नाइन सिक्स थ्री टू को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,368 थ्री 10 हंड्रेड एंड सिक्सटी जी दोबारा समझे 80,000 में से दोबारा आप 69,632 को माइनस करेंगे तो आपके पास 10,368 आ जाएगा जी मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता होता है तो आपने ये जो वन टू थ्री ये जो लास्ट में इसको आपने आखिर में फिल करना है तो आखिर में कैसे फिल करेंगे तो यहाँ पे ज़रा समझिएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे आपने क्या लिखना है यहां पे आपने दस हज़ार तीन सौ लिखे दस हज़ार जी पेज को जरूर करते हैं दस हजार तीन सौ अठासठ इसमें से माइनस करें रिजिड वैल्यू रिजिट वैल्यू है सिक्स थाउजेंड जी मैं आपको बताता हूं रिजिड वैल्यू कहां से हमने उठाई जी ये रेजिड वैल्यू छ हजार ये माइनस करेंगे जी मैं दोबारा बता देता हूं ये जो टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट है इसमें से आपने जिडर वैल्यू सिक्स थाउजेंड को माइनस करना है तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी फोर थ्री सिक्स एट फिर उसके बाद ये वाली अमाउंट इस अमाउंट के साथ इसको प्लस करेंगे यानी सिक्सटी नाइन थाउजेंड जिस तरह आम ये हम प्लस करते हैं ना तो सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी टू प्लस फोर थ्री सिक्स एट इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा सेवेंटी फोर थाउजेंड फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं ना तो 80,000 में से 74,000 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6,000 तो यहां पे लिखें 6,000 जी डियर स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ डेयर स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और स्पेशली जो आपके कॉमर्स के जो दोस्त हैं आपके जो क्लास फेलो हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें अगर आपको किसी पॉइंट की कहीं पर समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं शुक्रिया अल्लाह हाफिज़